देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर। आज बात होगी दिल्ली में जो देश की बेटी के साथ दरिंदगी की गई है उसके ऊपर। आप सब लोगों को मालूम है कि जिस समय देश की राजधानी दिल्ली नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उसी समय देश की एक बेटी के साथ 5 युवकों ने जो शराब के नशे में थे, हालांकि अभी पुलिस का कहना है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ये तय होगा कि वो शराब के नशे में थे या नहीं, लेकिन ये तो माना ही जा रहा है कि ये शराब के नशे में ये आरोपियों ने 10 किलोमीटर तक इस युवती को न सिर्फ घसीटा बल्कि पूरी मानवता को भी शर्मसार किया। जी हाँ, उस बेटी के, उस बच्ची के शरीर पे एक कपड़ा तक नहीं बचा था, शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने देखा था, उन लोगों को तो ये लगा कि कोई शव जो है कार के साथ सटी हुई चली जा रही है, और उन लोगों ने इसी तरह से पुलिस को जानकारी भी दी। और ये रोंगटा खड़ा कर देने वाली जो घटना है वो दिल्ली में घट रही थी, देश की राजधानी में घट रही थी। और इस मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये मामला जितना कचोटने वाला है, उससे कहीं ज्यादा कचोटने वाली बात यह है कि इसमें जो सियासत शुरू हुई है, उसमें ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको लेकर आप जब उसको सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये कैसे नेता है। मतलब एक तरफ देश की बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है और ये नेता सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए एक दूसरे पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि दिवंगत उस आत्मा को भी या उसके ऊपर भी क्या गुजर रहा होगा, आप खुद सोच सकते हैं इसको सुनने के बाद। आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी, आप आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी पे आरोप लगाते हुए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि सड़कों पर हमारे घरों की बच्चियां निकलती हैं और बीजेपी के दरिंदे एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हैं, न मिलने पर हत्या कर देते हैं। अरे मतलब कोई मामला आ रहा है, आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, दूसरी पार्टी पे आपको आरोप लगाना है, तो आप इतने गंभीर मामले को इस तरह से उस मामले का पटाक्षेप कर देंगे, उस मामले को किस तरह से आप कर रहे हैं। ये बीजेपी पे जो सौरभ भारद्वाज जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के दरिंदे जो है एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हैं। मतलब मजाक बना के रख दिया गया है सियासत में कि आप जो है संवेदनशील मामलों को भी जिस तरीके से आप संवेदनशील मामलों में जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, मतलब उसमें सर से सिर झुक जाता है भारतीयों का। ये तो ठीक है कि इनकी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाई ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल ये जायज है, इस तरह की मांगे होनी चाहिए, हमेशा होती रही है। और लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें जब सियासत होती है ना, तो बहुत कचोटता है। मन दिल्ली की वो सिर्फ एक घटना भर नहीं है, पूरे देश की से जुड़ा हुआ एक मामला है, इंसानियत से जुड़ा हुआ मामला है, देश की बेटी से जुड़ा हुआ एक मामला है। एक बेटी जिसको 10 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, जिसे बताया जा रहा है कि इस देश में सबसे विभत्स घटना जिसको कहा जा रहा है, उस घटना पे अगर आम आदमी पार्टी का एक जिम्मेदार विधायक इस तरह का बयान देता है, तो सोचिए कि देश की पॉलिटिक्स जो है कितने गर्त में जा चुकी है। आप इस तरह से किसी पे निशाना साधने के लिए किसी एक गंभीर विषय को इतना अगंभीर बना देंगे, तो फिर सोचिए कि क्या होगा देश का। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इस मामले में बिल्कुल पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, पूरा देश यही चाहता है, लेकिन इसमें इस तरह की पॉलिटिक्स ना हो, ये भी देश चाहता है। क्योंकि जब आप सियासत करेंगे, हर गंभीर मुद्दों पे इस तरह की सियासत करेंगे, तो फिर उन मुद्दों का, उनकी संवेदनशीलता, उनकी गंभीरता ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर इस तरह के संवेदनशील मुद्दे आते हैं तो उनको उसी तरह से निपटा जाए, इसको एक दूसरे राजनीतिक पार्टियों की प्रतिद्वंदिता का विषय न बनाया जाए। ये मामला बहुत ही गंभीर है। मैं यानी हमारा चैनल रिक्वेस्ट करता है राजनीतिक पार्टियों से कि प्लीज इस तरह के मामलों में आप लोग एक दूसरे पे बयानबाजी बंद कीजिए, आप सब लोग मिलकर तय कीजिए कि किस तरह से इस तरह की घटनाएं रुके, कैसे जो है एक ऐसा नियम कानून बने कि आरोपी जो है वो उनमें इतना डर पैदा हो कि वो इस तरह की कोई हरकत करने से पहले ही कांप जाए। लेकिन जब आप लोग इसमें सियासत शुरू
कर देते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, तो फिर मामला जो है ना वो जो गंभीर मामला होता है वो भी खत्म हो जाता है और आरोपियों को भी लगता है कि अरे यार चलो ये राजनीतिक पार्टी वाले तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो उनका जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए और इस मामले के बारे में पूरा रिपोर्ट और अब बार बार क्या चीजें हो रही है, क्या इसका अपडेट आ रहा है, वो सब कुछ जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वेबसाइट को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हम इसके बारे में जानकारी देंगे ही, साथ ही देश और उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में हम रोज विश्लेषण करेंगे। नमस्कार।